बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आप खूबी जानते हैं कि मैं 45 साल मुकम्मल तालीम में मुलाजिम रहा हूँ, 35 साल ज़िलाई, डिविजनल, सूबाई और मुल्की सतह पे असातिज़ा और मुलाजमीन के हकूक़ के असूल के लिए पूरी ईमानदारी, खलूस और जमी से जद्दोजहद की है। इस जद्दोजहद में कई बार मुलाजमत से हाथ धोने पड़े, बारहा जेलों की सुबतें बर्दाश्त की, जिसके सबब बलूचिस्तान और मुल्की सतह पे असातिज़ा और मुलाजमीन के मफादात के असूल के लिए चलाई जाने वाली अक्सर तहरीकें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकिनार हुई है। 3 साल कबल मुलाजमत से रिटायर्ड हुआ, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नज़रियात, किरदार और कारकर्दगी पर नज़र रही। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बरसगीर पाक हिंद से लेकर आज तक जो कुर्बानियां खुदाई खिदमतगार तहरीक, नेशनल अवामी पार्टी और मौजूदा अवामी नेशनल पार्टी ने दी है, वो सियासी तारीख के रोशन बाब हैं। सबसे पहले खुदाई खिदमतगार तहरीक ने अफगान फख्र अफगान बादशाह खान की क़यादत में तालीम के फ़रोग, पसमानदा तबकात में शऊर की बेदारी, महकूमा काम अकवाम के हकूक के असूल और बरसग़ीर को फरंगी साम्राज्य से आज़ादी दिलाने के लिए जो जदोजहद की, वो अकवाम आलम के लिए एक मिसाल है। इसी तारीख के तसलसल में नेशनल अवामी पार्टी ने खान अब्दुल वली खान की सरबराही में महकूम अकवाम के हर पर के जहन में शख्सी आज़ादी, जमहूरियत पसंदी, वसायल पर अख्तियार और कौमों के इज्तिमाई फलाह व तरक्की के वो नज़रियात जिंदा किए जो आज तक उन तरक्की पसंद और रोशन फिक्र अफराद के हक की राह से भटकने नहीं देते। फख्र अफगान बादशाह खान और खान अब्दुल वली खान ने उन नज़रियात पर कायम रहने की पादाश में अशरू तक पाबंद सलासल रहकर कैद बंद की तकालीफ जोमर्दी से बर्दाश्त की। इस खिते के सियासी मंजरनामे हमारे पसमानदगी के असबाब और तरक्की के असल राज से मुतलिक खान अब्दुल वली खान ने जो पेशेंगोयां की है, वो एक एक होकर सच साबित हो रही है। खिते से मुतलिक उनके तय करदा सियासी असूलों पर अमल पैरा होकर मिली मशर अस्पंदियार वली खान ने जदोजहद जारी रखी। उनके सख्त सियासी नज़रियाती मुखालफीन भी उनकी सियासी बसीरत का बरमला इजहार कर रहे हैं। अस्पंदियार वली खान ने सूबाई खुदमुख्तारी देकर पश्तनों की अपनी पहचान देने के लिए 18वीं तरमीम के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा का नाम फख्र अफगान बादशाह खान से लेकर आज तक इस ख़ानदान ने कभी इख्तदार हासिल करने के लिए असूलों पर कोई सौदाबाजी नहीं की है और सैकड़ों शोदा की सूरत में जो कुर्बानियां अवामी नेशनल पार्टी ने दी है, कोई भी सियासी पार्टी उसका सोच भी नहीं सकती। अवामी नेशनल पार्टी की कुर्बानियों, असूलों पर कायम रहने और मारूजी हालात के मुताबिक अवाम के मफाद में फैसले करने की पॉलिसियों से मुतासर होकर मैं आज इस कारवान में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करता हूँ और जिंदगी भर अवामी नेशनल पार्टी के नज़रियात, मंशूर और फरोग के लिए इंशाल्लाह जद्दोजहद करता रहूँगा। शुक्रिया।
ਹੈ।